अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, इलेक्शन के एक और खसूसी बुलेटिन के साथ। नाजरीन, अमेरिका की सभी रियासतों में पोलिंग का सिलसिला जारी है। अमेरिका के सदारती इंतखाब में नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मुकाबला साबिक सदर और रिपब्लिकनती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से है, जिसके लिए आज यानी इलेक्शन डे से कबल ही करोड़ों वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। हालिया सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को भरोसा रहा है कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और कॉन्सिन रियासतों में उनके वोटरों की तादाद ज़्यादा है। रिवायती तौर पर डेमोक्रेटिक रुझान रखने वाली इन रियासतों में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नायब सदर कामला हैरिस को गजा जंग के बारे में सख्त जज्बात रखने वाले हलकों ने मुश्किल सूरत हाल से किया है। यहूदी और अरब अमरीकी दोनों कम्युनिटीज इसराइली और फलस्तीनी शहरियों की हलाकतों और खित्ते में होने वाली तबाही पर गुस्से के साथ साथ इसराइल की हिमायत में तवाजुन बरकरार रखने पर जोर देते हैं। बाइडन इंतजामिया इसराइल पर हमले बंद करने के लिए दबाव डाल रही है। इस वक्त हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ मारूफ तजियाकार उवैस सलीम हैं, जिनका ताल्लुक लमार यूनिवर्सिटी से है। तो हम यही सवाल उनके सामने रखते हैं कि आपके ख्याल में गजा जंग के तनाजुर में मिशिगन डेमोक्रेट के लिए मुस्लिम वोट का हुसूल कितना दुश्वार है, या वोटर इससे हटकर क्या फैसला कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मिशिगन की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो मिशिगन में ज़ाहिर है कि मुस्लिम मेजॉरिटी वोट है, अगर हम इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ की बात करें, और उनके लिए ये बड़ा अहम है। और उस मुस्लिम वोट में जो अरब डिसेंट के लोग हैं उनकी अक्सरियत है, तो उनके लिए बड़ा अहम है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी क्या रही है अरब इसराइल जंग में, और ख़ास तौर पर ये जब से गजा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दोनों बड़ी जम जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप हों या कमला हैरिस हों, उनकी पॉलिसी में को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर इमिग्रेंट्स का वोट स्प्लिट होगा तो ऐसा ना हो कि वो किसी तीसरे कैंडिडेट के लिए वोट करें। जैसे हमें ऐसी आवाज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि शायद वो ग्रीन पार्टी के कैंडिडेट जल को वोट करें, और अगर ऐसा भी हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को वोट मिलता है, मुसलमानों का भी, इमिग्रेंट्स का भी, तो ये फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए सिर्फ ये जंग या जो उनका मुस्लिम सेंटिमेंट है, सिर्फ वो एक इशू नहीं है। मिशिगन ही जो यूनियन है ऑटो वर्कर्स की या दूसरी वर्किंग क्लास इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ की, उनके लिए इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू है, और ये लाइंस पैरेलल नहीं चलती बल्कि ओवरलैप करती हैं जब ये लोग वोटिंग का फैसला करते हैं। सो इस वक्त ख्याल है कि ये हमें कोई वाज़े तख़सीस नज़र नहीं आती कि ये मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर मिशिगन में वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए 4 साल की जो प्रेसिडेंसी उन्होंने देखी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो उन पर दोबारा सार करने के लिए तैयार हों अगले 4 साल के लिए। हम हालिया इंतखाबात में देखते हैं कि मुसलमानों का रुझान काफ़ी बदला है, तो क्या वोट में तकसीम होगी या कोई एक पार्टी मुआशरे के इस फाल ग्रुप की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अगर जैसे हम पहले तारिकीने वतन की बात कर रहे थे, अगर हम एशियंस की बात करें या तारिकीने वतन की एज ए होल बात करें, जो एशियन अमेरिकन में चाइनीज ब्लॉक उनका जो असर है वो हमें पॉलिसी साजी में भी नजर आता है। आपने देखा कि कामला हैरिस जो हैं वो उम्मीदवार बनी, फिर वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो जेडी वैंस हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनकी एलिया इंडियन है,
और उसकी वजह यही है कि ये उस इमिग्रेंट वोट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। ठीक मुसलमानों को ये एहसास ज़रा देर से हुआ है कि हमें अमरीकी से फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। पिछले 8 साल में अगर आप देखें, अब कांग्रेस के अंदर मुसलमान जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 5 हो चुकी है। ठीक ये मैं कहूंगा कि ये देर आयद दुरुस्त आयद वाली सूरत हाल है। उनका उन्हें अपने इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा है, वो लॉबिंग ज़्यादा कर रहे हैं, वो वोटिंग बड़ी तादाद में कर रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त अमेरिका का सदर बनाने के लिए इमिग्रेंट्स के पास कास्टिंग वोट है, तो मुसलमान भी उसका एक बड़ा एक जुज़्व हैं, और अगर वो ये फाल किरदार अदा करें तो यकीनन इसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, डेमोक्रेटिक की बात आने की रिपोर्ट की बात की कि वो इंडियन लॉबी दोनों पे बड़ा जोर डाल रही है, तो अब हमारे जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं वो ये जानना चाहेंगे कि दोनों पार्टियों के जीतने की सूरत में पाकिस्तान की तरफ उनका रुझान क्या होगा? किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो उसके अंदरूनी हालात से जुड़ो। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना होगा, पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको ये समझना होगा कि जब तक इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक मुल्क के अंदर हालात दुरुस्त नहीं होंगे, जी तब तक दुनिया शायद उनको संजीदगी से नहीं लेगी। हम भारत के साथ बहुत ज़्यादा तकाबुल करते हैं जब पाकिस्तान में बात होती, तो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। फिर भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो 1.25 अरब से ज़्यादा लोगों की एक मार्केट है जिसको अमेरिका और पूरी दुनिया देखती है। इकोनॉमी की वजह से जो है वो दोनों ने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा हुआ है। वो अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो एक ट्रांजैक्शनल नेचर उनकी रही है कि अमेरिका को पाकिस्तान में जब कभी ज़रूरत होती है, उस खत्ते में कोई शोरिश होती है या कोई और अमेरिकन इंटरेस्ट होता है, तो हमारे ताल्लुकात में ज़्यादा गर्म जोशी आ जाती है, और जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर एक कोल्ड फेज आता है जिसके बिल्कुल अंदर कोई एंगेजमेंट किसी ना किसी सतह पर तो रहती है, लेकिन वो गर्म जोशी जो एक मद्दोजजर हमें की सूरत में नजर आती है वो नहीं होती। तो इस वक्त जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला चुका है, बज़ाहिर खत्ते में इंटरेस्ट भी नजर नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली बहुत बड़ी आएगी। तब्दीली आई। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अपने आप को समझते हैं कि वो एक मर्क्यूरियल किस्म की शख्सियत हैं और वो अपने आप को मुख्तलिफ जाहिर करना चाहेंगे जो बाइडन से या कामला हैरिस से, तो क्योंकि मौजूदा में इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं रही है पाकिस्तान के साथ, बस स्टाफ लेवल अग्रीमेंट्स होते रहे हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ी सी एक अप्रोच की तब्दीली नज़र आए, लेकिन पॉलिसी की तब्दीली बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता। अच्छा, बहुत शुक्रिया उवैस साहब। ये हमें उम्मीद तो बहरहाल अच्छी रखनी चाहिए कि कौन सा पार्टी जीतती है तो वो पाकिस्तान के लिए हिमायत हासिल करे और पाकिस्तान उसके लिए हिमायत हासिल कर सके। तो उवैस सलीम साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अगले बुलेटिन में हम कुछ नए तजिया कारों से और कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ आपके सामने आएंगे, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारी प्रोड्यूसर थी आयज़ा इरफान और एडिटर बेहजत चिलानी। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।